बोले सच्चिदानंद भगवान की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, युग पुरुष परमानंद जी महाराज की जय। ये उपाधि हमने हरिद्वार में गंगा किनारे इनको दे दी है, ये हैं युग पुरुष, और इसीलिए इनके आते मैंने बोलना बंद कर दिया। पर एक बात अब प्रसंग में एक मिनट में कह दूं, भारत के बहुत विरक्त संत स्वामी पथिक जी महाराज, कुटिया तक नहीं बनाई, सब विद्यार्थियों समाज को देते रहते थे, पर वो अपनी किताब अच्छी प्रवचन करके या गीत गा के उसको मूल्य से दे देते थे। तो कई इतने में कहते थे ये पुस्तकें बेचते हैं, तो पुस्तकें नहीं बेचते थे। ये इसलिए कहता हूँ कि कई बार इनको भी लोग कहते हैं तो व्यापारी हैं, पर इनका व्यापार भारत नहीं विश्व कल्याण के लिए। महाराज श्री का आशीर्वाद मिला है, और इसी संकल्प के साथ हम इस अनुष्ठान को कर रहे हैं कि ये व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए है, ये कमाई के लिए नहीं, देश की भलाई के लिए है, ये कुछ कमाने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए है। क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा और सदियों तक गुलाम बना के रखा, आज हजारों विदेशी कंपनियां लूट रही थी, और उसके बीच में पतंजलि स्वदेशी का झंडा गाड़ा ही नहीं, उन विदेशी कंपनियों को अब उखाड़ फेंका है, एक दो बाकी बच गए उनका भी एक दो साल में शीर्षासन हो जाएगा। ये हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, नितिन गडकरी साहब, जहां जाते वहीं दंत कांति का प्रचार करते हैं, खुद भी करते हैं और उनको भी कहते कि यही, और दीदी मां कह रही ये भी हंस हंस के करती। और अभी अरुण जेटली साहब मेरे से आज ही फोन पे बात हुई, बोले बाबा जी वो दंत कांति तो पहले मैं करने लगा, फिर मेरी बीवी करने लगी, फिर मेरे बच्चे करने लगे, अब तो जो भी आता मैं भी उसी का प्रचार करता हूं। तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर, अब हमारे युग पुरुष, हमारे श्रद्धे, हमारे वंदनीय पिता तुल्य, गुरु तुल्य, सब कुछ वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले तो देखो ये बड़ा काम होता है, यहां बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, कि विदेशी कंपनियों के सामने खड़े होना, फिर उनको टक्कर देना, और टक्कर ही नहीं देना, उनको धोबी पछाड़ लगा के पराजित करना, फिर और वो भी प्रामाणिकता के साथ। ये छोटे मोटे ब्रांड नहीं, हजारों लाखों करोड़ का इनका साम्राज्य है। तो हमने पतंजलि पहले महाराज ट्रस्ट का काम तो डोनेशन से चल रहा था, आप सब महापुरुषों के बीच में मुझे कहते हुए गौरव है कि एक छोटे से कालखंड में मुझ जैसे एक अकिंचन सन्यासी को इस देश के लोगों ने भरोसा करके करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ध्यान दिया, और उससे हमने योग और आयुर्वेद को एक शिखर पर पहुंचाया। फिर ये पतंजलि का काम तो ट्रस्ट के पैसे से नहीं हो सकता था, उसके लिए करीब हमने 500 से 1000 करोड़ रुपए बैंक से लोन लिया, और आप सब लोगों के भरोसे के कारण से और पुरुषार्थ किया, भगवान का अनुग्रह और पूज्य महाराष्ट्र जैसे महापुरुषों का आशीष, वो बैंक का सारा कर्ज वापस चुका दिया। और हमने अब घोषणा की कि अब पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा, अब किसी का कर्ज तो देना है नहीं, अब जो भी प्रॉफिट होगा वो सब देश की सेवा के लिए होगा, 100% चैरिटी के लिए, ये कमाई के लिए नहीं है, इसलिए मैंने कहा देश की भलाई के लिए। और जो है अभी इस साल तो बहुत बड़े बड़े कार्य और तो करने ही है, हम जब इधर आ रहे थे तो ऐसे जो बाकी हम करते रहते वो आप हम नहीं बताएंगे। एक दिन दीदी माँ का फोन आया, स्वामी जी कुछ दिक्कत हो रही है। मैंने कहा जो है उधार लेना है या दान में लेना है? तो बोले नहीं उधार ही दे दो। तो वो उधार तो वो दान में है, वो मैंने इनको बोला ठीक है, तो हमने उस समय बोला नहीं था, इसलिए जो पहले दिया था वो हम किसी से बताएंगे नहीं, वो तो सब दान में है ही है। आज ये 2 करोड़ रुपए का दान वात्सल्य ग्राम के लिए गडकरी साहब देंगे दीदी माँ को, एक बार वात्सल्य ग्राम की सेवा के लिए अभिनंदन है इनके, 2 करोड़ रुपए की राशि है। और ये 2 करोड़ तो अभी कम है, ये तो अभी और चलेगा। ऐसा कमाऊ भाई होना चाहिए। और जो है देखो ये बात 2 करोड़ की नहीं है,
हमने ये तय किया है, अभी वंदे मातरम में काम कर रहे हमारे आशीष भाई, कुछ लोग आए हुए यहाँ पर भी जो है दिव्य प्रेम सेवा मिशन के, कुष्ठ आश्रम चलाते हैं वहां, उनको अभी हम जब हरिद्वार से आए तो उनको भी वंदे मातरम कुंज को, दिव्य प्रेम सेवा मिशन को भी 1 करोड़ रुपए देकर के आए। पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी करीब 25-26 वेद पाठशालाएं चला रहे हैं, उनको भी 2 करोड़ रुपए अभी दे के आए। ये तो 5 करोड़ का तो अभी 10 दिन का दान बताया, अभी इस साल कम से कम 200 से 250 करोड़ रुपए इस देश के लिए चैरिटी में इसी साल खर्च करेंगे। और इसमें आचार्य कुलम तो वो हमारा मुख्य कार्य है कि इस देश के हर एक जिले में एक आचार्य कुलम बनेगा और उसमें 25 से 50 करोड़ रुपए खर्च होगा, देश के बच्चे वेद भी पढ़ेंगे और वो साइंस कंप्यूटर मैथमेटिक्स और वर्ल्ड एजुकेशन जो भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ एजुकेशन वो भी पढ़ेंगे। एक तरफ वेद के मंत्रों का उद्घोष और दूसरे तरफ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, पूरी दुनिया से मुकाबला करेंगे भारत के बच्चे, वो बच्चे हमें तैयार करने हैं और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से हमें भारत को परम वैभवशाली बनाना है, आर्थिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और चैरिटी का ठीक है हम लोग काम करें आचार्य कुलम, लेकिन जो भी इस देश में पूज्य दीदी मां की तरह, पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी की तरह, भाई आशीष जी की तरह, दिव्य प्रेम सेवा मिशन की तरह जो भी लोग इस देश में प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं उनके लिए भी इस साल कम से कम 25 से 50 करोड़ रुपए पतंजलि की तरफ से दान देंगे। अभी हम हरियाणा में थे, वहां हमारे गुरुजी गौशाला चला थे, गुरुजी का शरीर पूरा हो गया तो उस गौशाला को भी 2 करोड़ देके आया। तो इस साल हमने, लोग सोचेंगे बाबा के पास में आ कहां से रहा है, तुम ही तो दे रहे हो, तुम्हारा पैसा तुमको अर्पित, बाबा को क्या, बाबा तो ये लंगोटी वाला है, ये तो हमने कपड़े आप लोगों की शर्म के लिए पहन रखे, हमको क्या जरूरत है भाई, ना हमको कोई शौक है, कोई बाबा के हाथ में अंगूठी है नहीं है, कोई माला मूला भी नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, वो गाड़ी भी दूसरों की है, इधर से हेलीकॉप्टर में बैठ के आ गया, वहां से कोई गाड़ी में लेके आ गया, वापस छोड़ के चला जाएगा, टिकट कभी लेते ही नहीं। हमारा काम एक ही है, ये सब भगवान का काम है, भगवान करा रहा है, हमारी क्या ताकत, हम तो अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, बाद में गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े। गडकरी साहब अभी इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं ना तो पूछते बाबा कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो, मैंने कहा मैं स्कूल गांव में पढ़ा शीशम के पेड़ के नीचे, गुरुकुल में पढ़ा पीपल के पेड़ के नीचे, बस इतना ही अंतर है, पहले जब मैं गया था तो पीपल छोटा था, अब उसको भी दाढ़ी आ गई, मुझे भी दाढ़ी आ गई। मैं IIT IIM का ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं आने वाले 2-3-5 सालों में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज IIT IIM में बाबा रामदेव की स्टोरी पढ़ाई जाएगी। अरे हम वहां नहीं पढ़े, हमको वहां पढ़ाया जाएगा, क्यों, देखो आदमी के अंदर यह हौसला होना चाहिए। लोग कहते थे संस्कृत पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता, आम आवादी सम यह संस्कृतम पठति सैव विश्वे सर्वश्रेष्ठम कार्यम कर्तुम समर्थो भवति, जो संस्कृत पढ़ा हुआ है वही बड़ा काम कर सकता है। इसमें तो संस्कृत में तो सारी संस्कृति है, सारा ज्ञान है, विज्ञान है, उसमें सब कुछ है भाई, करके दिखाओ। तो आप सबके आशीर्वाद से किया है और इस भाव से किया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं कहीं कैसे चल रहा है कुछ पता ही नहीं लगा, हजारों तरह की एजेंसियां लगा दी बाबा के पीछे, बाबा चल कैसे रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता न
कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है मेरा आपके कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपके कृपा से, सब काम हो रहा। प्रभुतों ने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभुतों ने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपके कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपके कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपके कृपा से, सब काम हो रहा है। बोलिए भारत माता की। तो देखो भाई, ये भगवान जी करा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं। तो आज मैं ज्यादा भाषण देने के लिए नहीं आया, मेरे को दीदी माँ ने एक दिन ऑर्डर किया ऐसे, ये बड़ा अधिकार जमाती है ऊपर वो है इसीलिए तो तो बोले समझे आपको किसी भी तरह से आज आना है। अब सोचिए मैं कल अहमदाबाद, फिर रात को फिर गोवा, गोवा से सुबह फिर शाम को जयपुर, फिर दिल्ली कार्यक्रम करके अभी यहां आया। तो अब आदेश होता है ना, दीदी तो वो दीदी होती है, और दीदी भी जब फिर दीदी भी और माँ भी हो तो फिर तो डबल रोल में रहती है। तो दीदी माँ का आदेश था, फिर मुझे दिल्ली से जब चला तो मुझे पता लगा आदरणीय गडकरी साहब भी आ रहे हैं। इनसे हमारा करीब अब करीब करीब 15-20 सालों का, दो दशकों का ऐसा प्रेम हो गया है। और इस समय ऐसे तो देखो ये मीडिया वाले, इनके सामने बोलने में बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, फिर भी जो कुछ कुछ बातें तो बोल सकते हैं। इस समय मोदी जी के मंत्रियों में को सबसे ज्यादा काम कर रहा है और जिसका काम जमीन पर दिख रहा है तो वो हमारे आदरणीय गडकरी जी। अब कई लोग कुछ शिकायतें करते रहते हैं, मोदी जी का काम कहां हो रहा है, दिख कम रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन मोदी जी के इस नेतृत्व में सबसे बड़ा काम और जो विजिबल वर्क है, और एक एक मिनट में जो निर्णय लेते हैं, माने आज का काम कल के लिए नहीं छोड़ना, और आज का काम जो अब हो सकता है उसको दोपहर और शाम के लिए नहीं छोड़ना। इस तरह से जैसे पतंजलि 150 की स्पीड से दौड़ रहा है, तो यह भी हमारे 200 की स्पीड से दौड़ रहा है। इस तरह से काम करते हैं और कोई स्ट्रेस नहीं लेते। मैंने देखा हमेशा ऐसे मस्त रहते हैं, हम तो बाबा इसलिए हंस सकते हैं। लेकिन नेताओं को तो पता नहीं कहां से हंसी बहुत लोगों की गायब हो जाती है। और जो है हमारे गडकरी साहब जब देखो ऐसे मस्त रहते हैं और काम पूरे स्पीड से। मैं समझता हूं कि इस तरह से जैसे गडकरी साहब काम कर रहे हैं, ऐसे सारे मंत्री उसी गति से काम करना शुरू कर दें तो आने वाले 20-25 सालों के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान बहुत आगे होगा, दुनिया का नेतृत्व करेगा, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी। राजनीति में बड़ी ताकत होती है, डोमिनेटिंग पावर पॉलिटिक्स में होती है। आज अमेरिका डोमिनेट करता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी किधर जाएगी, किस देश की करेंसी की क्या कीमत होगी, वो वर्ल्ड बैंक IMF तय करते हैं। क्यों? वो वर्ल्ड इकोनॉमी को डोमिनेट करने के लिए उसके पास में पॉलिटिकल पावर भी है, आर्मी पावर भी है, उसके पास में कॉर्पोरेट पावर भी है। तो पावर से पूरी दुनिया चलती है, वो डोमिनेटिंग पावर में है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हो, पूरे दुनिया के कानून
चाहे वो WTO के कानून बन रहे हैं और दुनिया की तमाम दूसरी तरह की संधियां हो रही हैं, भारत को हमें आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में, आज हम 2016 में 2050 तक पहुंचते भारत पूरी दुनिया में डोमिनेट करने की स्थिति में पहुंच जाए, ऐसा देश हमको बनाना है। और उसके लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दीदी मां अपनी तरह से पुरुषार्थ कर रही है, ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। दो बच्चों को आप घर में पालते हैं तो उसके लिए पति पत्नी से लेकर के पूरे परिवार के लोगों की ताकत लगती है। सैकड़ों बच्चों को प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य, बहुत बड़ा शब्द है वात्सल्य, किसी संत के व्यवहारिक जीवन का, उसका जो दृश्य व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, उसका यदि एक शब्द में उसको कहा जाए तो वो वात्सल्य है। इतने वात्सल्य से सैकड़ों बेटों को, बेटियों को पाल रही हैं, और अब तो इतने समर्थ बन गए हैं वो। अभी एक आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, पतंजलि के प्रकल्पों में भी दिल्ली में एक प्रोसीजर होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है इसमें एक SD होता है जो हर महीने 10-15-20 करोड़ का टर्नओवर करता है। तो एक SD यही वात्सल्य ग्राम का बच्चा तैयार होकर के दिल्ली में चला रहा है। तो माने वात्सल्य ग्राम के बच्चों में किसी तरह की उनकी प्रतिभा में कमी नहीं है। बच्चों को इतने वात्सल्य से पालना, माने जिन बच्चों को अनाथ कहकर के लोग ठुकरा दिया करते थे उनको कि ये अनाथ कैसे हो सकते हैं, सब सनाथ हैं यहां पर, सब भगवान के हैं हम, और इतना प्रेम, इतनी करुणा, इतना वात्सल्य, और अपनी भी परवाह ना करके, वैसे इतना ज्यादा अपने शरीर के साथ अति नहीं करना चाहिए, अभी मैं इनको अपने साथ ही लेके जाने वाला हूं हरिद्वार, थोड़ा मुझे पता लगा है थोड़ा शरीर में विकष्ट हो गया है, अपनी परवाह बिना करके अपने देह की, इन बच्चों के लिए, इन बेटों के लिए, इन बेटियों के लिए इतना बड़ा कार्य कर रही हैं। इसलिए हम पतंजलि योगपीठ की ओर से, पतंजलि आयुर्वेद की ओर से देश में सैकड़ों सेवा के प्रकल्प अभी भी चला रहे हैं। हमको सैकड़ों विद्यालय बनाने हैं और वो भी वर्ल्ड क्लास विद्यालय। और गडकरी साहब जब इनसे जरूरत होगी तब बता देंगे, अभी चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि अभी दिल्ली के आस पड़ोस में, क्योंकि अभी ज्यादा कहना ठीक नहीं होता है, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे और वो आने वाले 5 सालों में बन जाएगा, बनके आपके हाथों से और मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। वो कैसा होगा, उसमें करीब 10-20 हजार, नहीं हम नालंदा और तक्षशिला का नाम लेते रहते हैं ना कि 10 हजार बच्चे पढ़ते थे, इतना बड़ा 1 लाख पुस्तकों का 2 लाख पुस्तकों का पुस्तकालय था, तो 10-20 हजार का तक्षशिला और नालंदा था, 1 लाख बच्चों से लेकर के और विश्वविद्यालय तक, वहां विद्यार्थी पूरी दुनिया के आकर के पढ़ेंगे, ऐसा विश्वविद्यालय बनाना। और फिर हम कहेंगे गर्व से, एत देश प्रसूतस्य सकाशा धग्र जर्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव। जो मनु का उद्घोष था और वेद का उद्घोष, इंद्रम वर्हंत तत्रह कणवंत विश्वमार्यम अवघ्नंत अरावण, जो वेदों का उद्घोष था, जो मनो का उद्घोष था, उसको हम साकार करेंगे। बहुत काम करना, लेकिन ये सब करते करते भी मैंने कहा दीदी मां जो काम कर रही हैं ऐसे कार्यों को, अभी तो मैंने कहा दीदी मां को जब भी कोई आवश्यकता हो, दीदी मां आपको किसी लालाजी को फोन करने की जरूरत नहीं। मेरा भाई तो ये लाला सुन लो, ये लालाओं सब, तुम लोगों से दीदी को मांगना पड़े तो पाप लगेगा और तुम आगे से दोगे तो तुम्हें पुण्य लगेगा। दीदी को मांगना नहीं पड़े किसी से तो इनको मांगना भी नहीं आता, वो तो मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी थी वो भी अधूरी रह गई है, शुरू तो मैंने करवाया था कि याद है कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो भी अपने जीवन को पुण्यों से भरना चाहते हो और अपने जीवन में दरिद्रता मिटाना चाहते हो, दारिद्र्य नाशनम दानम, जो दरिद्रता को दूर करना चाहते हो तो दान करो। और लोगों को ऐसा लगता है
इस बार पतंजलि का टर्नओवर अब 5,000 करोड़ का होने वाला है। पिछले साल 2,000 करोड़ का था, अगले साल अब कहते हैं बाबा ये तो 10,000 से 15,000 करोड़ पर जाएगा, ये इतना तेजी से क्यों बढ़ता है? मैंने कहा मेरी तरह से दान करो तुम्हारा भी बढ़ जाएगा। दान से बढ़ता है? तो दान करो तुम भी। ये लाला लोग क्या सोचते हैं कि हमने दान कर दिया तो बढ़ेगा कैसे, तो घट गया। तुमको सही हिसाब लगाना नहीं आता। अब मैं तुमको देखो हिसाब किताब लगाना सिखा। सुनो, एक एक आदमी 1 किलो सरसों लेकर के आया, उसने सरसों का तेल निकाला, तेल निकाल के पकौड़ी बना के खा गया। वो पकौड़ी बनाई और अगले दिन जो है फिर वो ऊपर से खाया नीचे से निकल गया। ये तो होता ही है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। एक आदमी ने सरसों मंगाई, उसका तेल निकाला, पकौड़ा बना के खा गया और वो वापस जमीन में चला गया। एक आदमी ने वो सरसों संभाल के रखी ज्यों की त्यों। एक आदमी ने क्या किया, उसको भूदान कर दिया। तो 1 किलो सरसों जो डाली थी अभी वो अक्टूबर में डाली थी और अब मार्च आते आते वो 1 किलो सरसों 1,000 किलो हो गई। इसको कहते हैं दान की महिमा। 4 महीने के अंदर वो 1 किलो सरसों 1,000 किलो में कन्वर्ट होगी। मैंने तो सरसों की खेती अपने हाथों से की हुई है, इसलिए मैं ये तो कहते ना जमीनी हकीकत है, दिस इज द ग्राउंड रियलिटी, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो सत्य है ना कि 1 किलो सरसों दान भूदान किया तो 1,000 किलो हो गई 4 महीने के अंदर। इससे ज्यादा और प्रोग्रेस क्या होगी? और भोग किया तो नाश हो गया, सरसों भी खत्म, वापस खेत में। भोग करने से चीज का नाश होता है, जो कि तू बना के रखो तो उसमें भी क्षय होने का डर रहता है, उसको बहुत जबरदस्त इन्वायरमेंट में उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, नहीं तो सीडी खराब हो जाता है। तो तुम यदि जो तुम्हारे पास धन है उसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए मैं एसी का यूज नहीं करता, यहां पर भी बढ़िया इंतजाम है, पसीना पूरा आ रहा है। जितना एसी का प्रयोग करोगे, जितना पंखे का प्रयोग करोगे, जितना कपड़े का इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम कम से कम कपड़े पहनते हैं। जितना हम वस्त्र भोजन अन्न लाइट जितना भी हम प्रयोग करेंगे, लाइट ऐसे थोड़ी जलती है, उसके लिए पीछे से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कोयला खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, उसके उससे पोल्यूशन होता है। जितना हम भोग करते हैं उससे पाप लगता है, पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए कम से कम उपभोग किया करो। फिर जो अपने पास है वो किसके लिए? दान करो, दान करो। पतंजलि आयुर्वेद में मेरा 1 रुपए का शेयर नहीं, डायरेक्टर नहीं, एमडी नहीं, सब आचार्य भाषण जी है, और वो भी किसके लिए? फोकट के है। वो कोई कमाने के लिए थोड़ी है। बोले वो एक दिन बोले, सब बोलते आचार्य भाषण के नाम सब शेर है, मुझे खाली रखवाली करने के लिए लगा रखा, बाबा अपना लुटाया जाता है। ये हम सब लोग लुटाने के लिए बने, सब लुटाओ, किसका है? सब भगवान का है। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी, पानी उसका भूमि उसकी, सब कुछ उसी महा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु खुल जाए तो क्या
तो देखो सब कुछ भगवान का है, ऐसा मान करके अपने से जो बन पाए पुण्य करो, कम से कम 10% पुण्य तो सब करो। यदि तुम 1,00,000 रुपए कमाते हो महीने का तो कितना दान करना चाहिए? कम से कम 10,000 रुपए। और जैसे उम्र बढ़ जाए तो ब्रह्म जी की तरह पहले तो 10% करो और फिर 20, फिर 30, फिर ब्रह्म जी की तरह 90% पहुंच जाओ। ये जो कमाते हैं उसका 90% दान करते हैं। ब्रह्म जी अब थोड़े दिन पतंजलि को दान देना बंद करो, सारा इधर डाइवर्ट कर दो। तो दीदी मां जो है ब्रह्म जी का सम्मान भी करेंगे। सविता और रोहिणी हमारी दो बेटियां, इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। ये बच्चे इनको दान करने से रोकते नहीं, कहते करो खूब। सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी जो कुछ काम बाकी था संवित गुरुकुलम का, वो सारा काम हमारी ये बेटियां कर देंगी, सविता और रोहिणी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो अभी हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया है, वो इस संकल्प के साथ पूरा हुआ है कि सबको कितना दान करना है, कम से कम 10%, और उसको बाद में बढ़ाते जाओ, 90 तक पहुंच जाओ। गृहस्थ लोग, हम तो सन्यासी इसलिए 100% कर सकते हैं। जो मिला है किसके लिए? सब देश के लिए मिला, सेवा के लिए मिला है। और ये काम को मैं कह रहा था, ये आपको आपको खुद अनुभव में आएगा कि ये जो कार्य है, इस कार्य की मूल में मैं इसलिए बोला ब्रह्म जी को, इन्होंने हमको भी बहुत दान किया है, करीब 1,00,000,000 रुपए से ज्यादा हमको दान कर चुके हैं ये ब्रह्म जी, इसलिए मैंने इनको इधर डाइवर्ट कर दिया अभी। हाँ, तो हमको तो दान देते हैं लोग, होता क्या है गडकरी साहब, एक भी बड़ा विचित्र दुनिया में हमारे पास जो ये देखा हमने, लोग दान करते समय भी ये देखते हैं ये कितना बड़ा ब्रांड है। तो भैया दान देते समय ये ठीक है कि भाई किसी की प्रतिष्ठा हो उसको भी दान करना, इसका मतलब नहीं कि हमको आप दान देना बंद कर दो, हमको भी दान करो खूब, क्योंकि हमको तो करीब 25,000 करोड़ रुपए आगे खर्च करना है शिक्षा के काम के लिए। 25,000 करोड़ रुपए ये काम करना है हमको, हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं। और इतना बड़ा काम करना, इतना बड़ा काम करना है, पूरी दुनिया के मुसलमान उधर देखो, पूरे ये जो तेल निर्यातक देश है ना, वो लोग अपने मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए हर साल 1,00,000,000 करोड़ रुपए दान करते हैं। ऐसे ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए और अपने स्कूल और अपने हॉस्पिटल चलाने के लिए हर साल 1,00,000,000 करोड़ रुपए का दान करते हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हम हिंदुस्तान के अंदर ये स्प्रिट पैदा करना चाहते हैं कि यदि वो उन लोगों के पास में तेल का पैसा है, उन दूसरे लोगों के पास में किसी के पास हथियारों का पैसा है, तो हम भारतीयों के पास में मेहनत की कमाई हम उसमें से दान करेंगे, और इस देश में जो भी सेवा का काम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे देश के किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी फकीर को, रितमरा दीदी जैसे हमारी बहनों को, दीदियों को यह नहीं सोचना पड़े कि मैं सेवा कर रही हूं पैसा कहां से आएगा। यदि ये साधु को सोचना पड़ता है, सेवा करने वालों को सोचना पड़ता है, तो यह हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत शर्म की बात है। कोई भी सेवा करने वाले, गौशाला चला रहे, कोई विद्यालय चला रहे, कोई स्कूल चला रहे, उन सबके भंडार भरे हुए होने चाहिए। ऐसा सेवाशील भारत हमें बनाना है, सेवा जिसके शील में आ जाए, चरित्र में आ जाए, ऐसा हमें काम करना है। तो आप सब लोग दानशील बने, पुण्यशील बने, और मैं आपको सच कहता हूं इससे ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। तो सबको ऐसे इस काम में खूब अपनी आहूतियां डालनी है, आगे बढ़ाते जाना है, और तब ये देखना ये देश भी बहुत आगे बढ़ेगा, सेवा के काम आगे बढ़ेंगे। इतना अच्छा मार्गदर्शन रामदेव जी ने किया है, और उनने हमको जो मार्ग बताया है कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो पूरा अपना जीवन केवल उनने समाज के लिए नहीं दिया है, तो जो कुछ मिलेगा वो भी 100% 100 गुना ये भी समाज के लिए दिया है। मैं उनको वंदन करता हूं और उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं।